बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट। हमारे पास करंट की, जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। करंट हमारे पास वैसे तो होता है इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट, लेकिन अगर हम करंट की डायरेक्शंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो टाइप्स के करंट होते हैं। एक होते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एक और होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ उसकी एक डायरेक्शन होती है, इट्स फ्लोज इन ओनली इन वन डायरेक्शन। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादातर उसकी जो है डायरेक्शंस में ऑल्टरनेशंस होती हैं, यानी हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर हम उसका नेचर देखें तो वो साइन वेव बना रहा होता है, कोसाइन वेव बना रहा होता है, यानी उसका जो नेचर होता है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो सिग्नल जा रहा है, एसी करंट आ रहा है या एसी सोर्स हम दे रहे हैं, तो उसका वोल्टेज का सिग्नल्स कैसा आ रहा होगा, तो हम ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं कि हमारे पास साइन वेव बन रही होती हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी इसी से रिलेटिव हैं और ये शॉर्टली हमारा होगा। इसमें हम बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कैसे कैसे चीज़ों में चेंजेस आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक आरएलसी सर्किट ले लिया, आरएलसी सर्किट से मुराद यहाँ पर एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपके पास रेजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी कनेक्ट होता है। तो उसमें जो उसकी ड्राइविंग ईएमएफ की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो हम ड्राइव ईएमएफ दे रहे होते हैं, वो ईएमएफ उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है सर में हमारे जो एलसी ऑसिलेटर होते हैं। एलसी ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसमें हमारे पास इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आरएलसी सर्किट में जो ईएमएफ की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है एलसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। ड्राइविंग ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मस्ट बी किलो हर्ट्स और इन मेगा हर्ट्स। ज़्यादातर वो किलो 60 किलो हर्ट्स में आपके पास होती हैं, जो कि हम खुद भी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स में होती हैं। ये जो है आपके पास एक डायग्राम, जो इसमें जो है ज़्यादातर हम ऑल्टरनेटिंग करंट में हम जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं वो एसी जनरेटर्स की लेते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास जो डायग्राम शो हो रही है फिगर नंबर वन, इसमें भी हमारे पास जो है ये जो ये है ये हमारे पास एक एसी जनरेटर है। इसमें आपके पास एक कंडक्टिंग लूप रोटेट हो रहा है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये आपके पास असल में क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो है आपके पास जो जनरेटर, एसी जनरेटर, ये जो है रोटेट हो रहा है। ये देखें, ये जो है इसका रोटेशन पॉइंट दिया हुआ है, ये रोटेटिंग हो रहा है इसमें, और इसमें कंडक्टिंग लूप है रोटेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अपीयर्स, ये जो है ईएमएफ दिया हुआ है, ये जो आपके पास दिखाया हुआ है, अगर आप ये देखें ईएमएफ ये आपको दिखाया हुआ है, ये ईएमएफ है आपके पास। ये असल में आपके पास ईएमएफ की डायरेक्शन दी हुई है इन टू रिंग्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंड्स ऑफ अ लूप। ये दो रिंग्स हैं और ये अलग रिंग है, यहाँ पर ज्यादा शो नहीं किया। ये दो रिंग्स आपस में कॉन्टेक्ट में हैं और जो है हमारे पास ये दिख रहे हैं। देखिए, अब आप ये देखें, एक रिंग यहाँ पर भी है, रिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पर डायरेक्शन जो है आगे की तरफ है और यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट दिखाई है। देखें आप, यहाँ से इलेक्ट करेंट जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वही अकॉर्डिंग टू आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब आपके पास जो किसी हम एक सिंगल आरएलसी लूप सर्किट कर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास हमने जो वहाँ पर सोर्स यूज़ किया है ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ यानी वोल्टेज का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और उसको हम लोग वी के इक्वल भी ले सकते हैं, यानी ई इज इक्वल्स टू वी। तो हमने उसको वो क्या कहता है कि वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहता है। अब हमने बात की है अल्टरनेटिंग करंट की, तो हमने बात की जब एसी सोर्स सिग्नल्स को यूज करते हैं और उसका सिग्नल्स का नेचर देखना चाहते हैं, तो हमें पता है हर पॉइंट पे उसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और एसी सोर्स एक ऐसी सोर्स होती है जिसकी 1 सेकंड्स में 1000, या मैं कहूँ 1000 नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया, 100 टाइम्स जो है उसकी डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ हो या टाइम हो उसका डायरेक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा होता है। तो वी आपके पास बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी असल में क्या है, वो आपके पास फेस एंगल है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज।
where V naught is the amplitude of the varying EMF. V naught क्या है असल में maximum amplitude है आपके पास, यानी वो amplitude है जिसमें आपके उस EMF का जो के वेरी कर रहा है आपके पास. हम जाहिर है हमने अब लूप की बात की है तो सर्कुलर मोशन की बात की है तो वहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाती है क्योंकि ओमेगा टी, अब हमने कहा फेस एंगल है, उसमें जो हमारे पास ओमेगा है वो आपके पास क्या है असल में एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, इज रिलेट टू द फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है एफ जिसको हम हर्ट्स में लेते हैं. तो उसके मुताबिक ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई एफ. 2 पाई से मुराद है एक सिंगल लूप सर्किट का जो एक पूरा कंप्लीट आपके पास एक साइकिल कंप्लीट होता है तो वो 2 पाई होता है और फ्रीक्वेंसी उसकी एफ है, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. सो As the coil rotates in uniform magnetic field, a sinusoidal EMF is induced. यानी आपके पास अब external magnetic field में, external magnetic field ऐसी field है जो कि uniform है, उसमें आपके पास coil rotate कर रहा है, करता जा रहा है, RLC circuit है, और उसका जो EMF है वो time के हिसाब से vary करता जा रहा है. तो इसका मतलब है वो टाइम के हिसाब से जो वेरी कर रहा है. अब मैंने आपसे कहा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर अब करंट गुजर रहा है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के प्रोड्यूस होने से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होने से वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अगर, और अब हमने बात की कि हमारे पास EMF जो वोल्टेज है वो बैटरी का टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो क्या होगा वहाँ पर आपके बस करंट में भी चेंज आएगा, और जब करंट में भी चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, फिर फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से आपके पास इस रोटेटर लूप में जो आपके पास करंट चेंज हुआ उसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ, एक और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है. और ये आपके पास असल में ये फैराडे लॉ कहता है, और फैराडे लॉ के अलावा हमारे जो लेंस लॉ है वो ये बताता है कि जो ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हो रहा है तो जिस कॉज की वजह से इंड्यूस्ड होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या करता है उसको अपोज कर देता है. मतलब कहने का मतलब है कि जो ईएमएफ आपके पास चेंजिंग ऑफ करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है तो वो उस कॉज को अपोज करेगा. यानी इसका मतलब है जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे और एक वोल्टेज जो हमें करंट के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस इटसेल्फ उस लूप में, उस कॉइल में जनरेट हुआ, तो क्या होगा उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से हमें साइन वेव मिल रही होंगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल हमें दोनों मिलेंगे. अब आप अगर ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में हमें वोल्टेज और करंट दोनों का रिलेशन दिखाया गया है. अगर आपके पास टी, अगर टाइम अगर ज़ीरो है तो वोल्टेज और करंट, देखें आप ये देखें टाइम जो है यहाँ पर ज़ीरो है तो वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज़ क्या है, मिनिमम है, दोनों आपके पास ज़ीरो. और जब टाइम मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, ये पीक वैल्यूज़ हैं और ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है. ओमेगा टी आपके पास जाहिर है वो, और ये डायग्राम है, हमने एक आरएलसी सर्किट लिया था जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कनेक्ट है. फिर हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि करंट भी जो है वेरी कर रहा है ही साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल. ये देखिए ये ऊपर वाला पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल करंट का नीचे वाला है. ये जो है आपके पास ये जो है करंट वाला, ये करंट का हिस्सा है, ये वोल्टेज का साइन वेव है, ऊपर वाला करंट का साइन वेव है. तो ये वाला जो है हमारे पास करंट का साइन वेव है, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है. तो आप ये देखिए करंट पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है. इन द करंट चेंजेस इन डायरेक्शन. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि साइन करंट जो है ऑल्टरनेटिवली अपनी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. तो ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करे वो क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है. और हमने बात की थी एक आरसी सर्किट्स की, एक आरएलसी सर्किट की जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. और उस आरएलसी सर्किट में हमारे पास क्या होता है, उस आरएलसी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. तो इक्वेशन वन के हिसाब से हमें ये पता चल रही होती है कि टाइम के हिसाब से आपके पास जो है ईएमएफ में चेंज आ रहा होता है, जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया है अगर करंट में चेंज आए टाइम के हिसाब से तो आपके पास क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसको हम ट्रांजिएंट कहते हैं. तो जिसकी वजह से आपके पास करंट भी कुछ मैक्सिमम पीक वैल्यू तक जाता है और वो करंट किसके बराबर है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द करंट एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. यानी आई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, करंट एम्पलीट्यूड है और मैक्सिमम पीक वैल्यू है करंट की. और ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी असल में आपके पास जो है
वो फेस एंगल है बिटवीन, जो कि फेस एंगल है, और कैसा फेस एंगल है, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है वोल्टेज और करंट के दरमियान का. तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का एक इंट्रोडक्शन था. साइन वेव्स किस तरह ऑल्टरनेटिंग करंट में इन्वॉल्व होती हैं एसी सिग्नल्स में, उसको हमने देखा था. अब हम जो हमने आरएलसी सर्किट की बात की है, तो उस आरएलसी सर्किट के एलिमेंट्स किस तरह हमारे पास एसी सोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, अब हम उनको देखेंगे. नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. क्या हुआ है? कुछ नहीं.